बहुत ही मशहूर मारूफ नात पाक के चंद अशआर और मुलाहिदा कर लें। हकीकतों की रोशनी में अशआर लिखे हैं, समझने की कोशिश करें। देखता हूँ कौन कौन हजरा समझेगा और समझ कर सुभान अल्लाह कहे। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस कलम की बदौलत बड़ा हूँ। यानी मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। हमें नाज है तो मुस्तफा जाने रहमत पर है, हमें फख्र है तो करबला वालों पर है। हमारी इज्जत जो है करबला वालों से है, अल्लाह वालों से है। इसलिए हम कहते हैं अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ। एक फकीर, एक दुर्वेश मांगने वाला सुबह सुबह के वक्त में किसी के दुकान पर पहुंच जाता है। कुछ लोगों का ये अकीदा होता है कि अगर बोनी ना हो जब तक किसी को कुछ न दिया जाए, लेकिन तो मांगने लगता है, कहने लगता है अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे। तो वो कहता है कि भाई अभी बोली भी नहीं हुई है, मैं अभी नहीं दूंगा। लेकिन वो भी बड़ा जिद्दी था, कहने लगा दे रहा नहीं दे रहा, जैसे कि बाप की खेती हो कमा के रख गया था, समझ रहे हैं। कहने लगा दे रहा ही नहीं दे रहा, कहा कि नहीं दूंगा, अभी बोनी तक नहीं हुई है, अभी बोनी बट्टा तक नहीं हुआ, तू मांगने के लिए आ गया सुबह सुबह के वक्त में। तो जलाल में आ गया, कह रहा, कहने लगा कि देता है नहीं देता, वरना तेरी दुकान उलट दूंगा। क्या कहा? देता है नहीं देता, मतलब बर्बाद कर दूंगा, दुकान उलट दूंगा, तेरा तख्ता उलट के रख दूंगा।
वहां पर एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ था, वो मंजर देख रहा था। एक भिखारी मांग रहा था और वो देख रहा था कि इसका अंदाज क्या है। उसके तन पर सही माना में कपड़े भी मौजूद नहीं है, फटे पुराने हैं, पैरों में भी चप्पलें टूटी हुई हैं, और बात कह रहा दुकान पलटने की। तो उसने अल्लाह के वली ने निगाहें मर्द मोमिन बंद की और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जैसे ही आंखें बंद की, कहने लगे कि ये सिर्फ दावा ही कर रहा है, ये सिर्फ कह ही रहा है कि इसके अंदर कुछ है भी, कुछ ताकत भी है ऐसा करने की, इसमें कोई हिम्मत या ताकत कोई पावर भी है इसके पास के नहीं। जैसे ही उस अल्लाह वाले ने देखा, देखता क्या है कि इसका तो डिब्बा गोल है, कुछ भी नहीं है, डिब्बा गोल है, सिर्फ जबानी जमा खर्च है, जबान से कह रहा है पास में कुछ नहीं है। कहा कि शायद ये कहीं से वाबस्ता होगा, कहीं से निस्बत रखता होगा, अपने पीर पर भरोसा करके ये बात कह रहा होगा। देखा कि आंखें बंद की और उसकी दे उसके पीर की तरफ नजर दौड़ाई तो देखते क्या है कि उसके पीर का भी डिब्बा गोल है। क्या है, उसके पीर के पास में भी कोई पावर कोई ताकत नहीं है, वो भी करामत से खाली है, उसके पास में भी कुछ नहीं है विलायत से, वो भी खाली है। वो देखता क्या है कि ये फिर बार बार इसरार कर रहा है कि देता है नहीं देता वो न तेरी दुकान उलट दूंगा। तो कहता है वो अल्लाह का वली कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं इसके दादा पीर को तो देखूं, उनके पास में कुछ पावर कुछ ताकत है कि नहीं, उनके पास में कुछ करामत है कि नहीं। तो देखते क्या है, आप फरमाते हैं जब मैंने उसके दादा पीर की तरफ नजर दौड़ाई तो वो अपना हाथ दुकान के नीचे लगाए हुए थे और ये इंतजार कर रहे थे कब ये इशारा करे कि मैं इसकी दुकान को उलट कर। तो निस्बत ये हुआ करती है, तो अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके जुगनों से ऐसा सिपा मजबूत होनी चाहिए, निस्बत में झोल नहीं होना चाहिए, समझ रहे। निस्बत एक से रखो और मोहब्बत सबसे रखो, निस्बत एक से होनी चाहिए और मोहब्बत सबसे होनी चाहिए। ये शेर मुलाहिजा करें, अगर लगे कि आपको हकीकत बयान भी है शायर ने तो खामोश नहीं बैठिएगा। शायर कहता है कि देखता हूं या रसूल अल्लाह, देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं, देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जा सर नदामती से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ, सर नदामती से उठता नहीं है जब मैं अपनी से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। और ये शेर भी
मोहब्बत के साथ में दुआ या शेर है मुलाहजा करें। सब लोग कहना आमीन सुनकर शायर कहता है कि या नबी अपने गमी की सकती हुई इल्तिजा हूँ बिन कहे ही मेरी लाज रख लो मैं सकती हुई इल्तिजा हूँ। और मत्ते का शेर दुआ के साथ समाप्त करें कि शब सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐसे कसों के वाली अब तेरी दुहा ही है। तो शाफ़ाए नस्बतों का करम है ये खालिद खोटा होके हुए भी खरा हूँ। नस्बतों का करम है ये खालिद खोटा होते हुए बात निस्बत से निकल चली है तो निस्बत के ताल्लुक से ही कुछ बातें आप तक पहुंचाता चलूं। निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। अगर हमारे तुम्हारे पैर में जूता हो, अगर किसी को मारा ना जाए बल्कि दिखा दिया जाए तो सामने वाले की इज्जत खाक में मिल जाती है कि नहीं? सामने वाले की इज्जत, ये हमारी निस्बत से जूता इतना बेकार हो गया कि सामने वाले की इज्जत खाक में मिला देता है। लेकिन यही जूता अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में आ जाए, यही अंबिया किराम पहन लिया करें तो कुरान गवाह है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उनको अपने सरों पर रखा करते हैं। ये निस्बत ही तो है, हमारे पैर में है तो इज्जत घटा रहा है, अंबिया के पैरों में है तो इज्जत बढ़ा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नालाने पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नालाने पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बेशक तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो एक है शर्फ जमा और एक है शर्फ मका और एक है शर्फ जात।
मकान कहते हैं जगह को, निस्बत से किस तरह से शेर मुमताज हुआ करती है। जिस जगह आप बैठे हैं, जिस खत्ते में आप हैं, यहां अगर नमाज पढ़ो, एक रकात पढ़ो, तो एक ही रकात का सवाब मिलता है। लेकिन हज्जाज किराम से पूछो, जो हज्जाज जाते हैं मदीने में, मक्का में, जो मक्का शरीफ की हरम जमीन पर, हरम पाक पर एक रकात पढ़े, अल्लाह ताला उसको 1,00,000 रकातों का सवाब अता किया। और जो मदीने शरीफ में पढ़े तो 50,000 रकातों का सवाब। तो क्या वजह है, यहाँ पढ़े तो 1 रकात का सवाब और वहां पढ़ो तो 50,000 का और 1,00,000 का सवाब। तो ये सिर्फ निस्बत मुस्तफा की वजह से। अल्लाह फरमाता है, ला उक्सिमु बिहादल बलद वा अंता हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब कसम है इस शहर की। क्यों? क्योंकि आप इस शहर में चलते फिरते हैं। तो अगर कोई पूछने लगे कि यहां पर पढ़ो तो 1 रकात का सवाब, मक्का शरीफ मदीने शरीफ में पढ़ो तो इतना सवाब क्यों बढ़ा दिया गया, तो जवाब मिलेगा कि ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है कि सारी जमीन का खालिक वो है, सारी जमीन उसने बनाई है, लेकिन मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की जमीन को अल्लाह ने अपने फजल के लिए चुन लिया है, अपने करम के लिए चुन लिया। आप कहेंगे वो कैसे? तो उसकी मिसाल है, इसी तरह से शर्फ जमान है, जमान कहते हैं वक्त को, ये वक्त गुजर रहा है, ये महीना चल रहा है जमादियुल आखिर का, इसके बाद में रजब का महीना आएगा कुंडो वाला, है कि नहीं? तो इस महीने में अगर आप नफिल पढ़ें तो नफिलों का सवाब, इससे आने वाले महीने में पढ़ो नफिल का सवाब, उससे आने वाले महीने में यानी शाबान के महीने में नफिल पढ़ो तो नफिल का सवाब। लेकिन उलमा हक बयान करते हैं, तारीख शाहिद है, हदीस पाक गवाह है कि जब शाबान के बाद में जो रमजान शरीफ का महीना आता है, अगर तुम नफिल पढ़ो तो अल्लाह ताला फर्जों का सवाब अता करता है, और अगर फर्ज पढ़ो तो 70 फर्जों का सवाब अता करता। तो इसी वजह से आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, 11 महीनों में नफिल पढ़ो तो नफिल का सवाब है और रमजान में पढ़ो तो फर्ज का सवाब। तो जवाब मिलेगा, ये अल्लाह का, ये अल्लाह की सुन्नत है कि उसने सारे महीने बनाने के बाद में रमजान शरीफ के महीने को अपने फजल के लिए चुना, अपने करम के लिए चुना। तो और महीनों में जो नफिल पढ़े जाते हैं उसी में भी वही कुरान पढ़ा जाता है, वही तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, लेकिन वही तस्बीहात वही कुरान रमजान में पढ़ो तो निस्बत रमजान की वजह से अल्लाह ताला फर्जों का सवाब अता करता है। तो निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इसी पर बात खत्म कर दी जाए।